हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रमोद कुमार पांडे आज आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे बहुत ही अच्छी जानकारी। फ्रेंड्स, ये हमारी 7 वाट की एलईडी बल्ब है। एलईडी बल्ब में क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में बताएंगे आज आप लोगों को, इसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, इसके ड्राइवर में क्या प्रॉब्लम है और इसकी एलईडी में क्या दिक्कत है। फ्रेंड्स, तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारी एलईडी बल्ब कोई इसमें ग्लो नहीं कर रहा है और ये वाली एलईडी जल रही है, ये वाली एलईडी तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये एलईडी जल रही है, हमारी ये वाली एलईडी नहीं जल रही है। तो हम इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको सही करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले यहाँ से फ्रेंड्स निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम इसको पहले ही खोल दी, मतलब आपको बनाना है तो आप यहाँ से इस प्रकार से आप इसको निकाल के और यहाँ से थोड़ा सा इसको सीधा कर दीजिए और ये हमारा निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा पॉइंट निकल जाता है और इसको हमें निकालने के लिए यहाँ से आपको साफ़ करना होगा। तो मैंने यहाँ से साफ़ कर दिया है, अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से निकाल लेना है। उसके बाद देखना है फ्रेंड्स इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे एलईडी देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और उसी प्रकार हमको यहाँ पे भी देख लेना है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। उसके बाद हमको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है इस प्रकार से। फ्रेंड्स ये हमारा लग गया है, अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा क्यों नहीं चल रहा है, हमारा मतलब आपको दिखा देते हैं कि हमारा कौन सा पॉइंट इसमें ख़राब होता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं चल रहा है हमारा। तो हमारे इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसमें जो दिक्कत आती है ये हमारा जो रेजिस्टेंस होता है यही हमारा डैमेज होता है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा मतलब यहाँ पे फॉल्ट आ जाता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है। तो हम इसको एक बार यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ से इसको निकाल लिया है, अब हमें इसको लगाना है। तो हमें क्या करना होगा, हमको यहाँ से थोड़ा सा कटिंग कर देना है, मतलब हमको बस उतना ही लगाना है। इसको यहाँ से कर देंगे कटिंग और इसको भी यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमको वापस से जैसे यहाँ पे लगा हुआ था उसी प्रकार इसको हमको यहाँ पे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करके अब हम यहाँ पे लगा देंगे आयरन की मदद से, इसको यहाँ से अच्छे से तरीके से जाम कर देना, मतलब इसको यहाँ पे सोल्ड कर देना है ताकि ये हमारा कहीं दूसरी साइड को ना निकले। अब हमें वापस इस ये यहाँ से नहीं आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे लगाएंगे और वापस इसको हम यहाँ पे सोल्ड कर देंगे एक पॉइंट।
फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। आप एलईडी को घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं, कहीं ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा यहाँ तक लग गया है। अब हमें क्या करना है, हम इसको एलईडी को यहाँ से एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। अब हम दो वायर लेंगे और इस प्रकार से दो वायर ले लेना है। दोनों वायर को हमें इसके अंदर डालना है, मतलब यहाँ पे एडजस्ट करना है और पॉइंट को बना लेना है, ताकि हमारा पॉइंट यहाँ पे बनाने के बाद फ्रेंड्स हमको एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है, एक पॉइंट यहाँ पे लगाना, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे एडजस्ट करना है, एक पॉइंट हमें यहाँ पे लगाना है। तो चलिए मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस प्रकार से हमको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अब उसके बाद इस प्लेट को हमको यहाँ पे प्लस और माइनस देख के यहाँ पे लगा देना है, मतलब ये पॉइंट हमारा प्लस है, ये पॉइंट हमारा माइनस है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब हम इसको यहाँ पे इस प्रकार से लगा देंगे और लगाने के बाद इसको हम चेक करेंगे, देखेंगे कि हमारा एलईडी बल्ब सही हुआ है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको लगाते हैं एलईडी को और देखते हैं कि एलईडी हमारी सही हुई है कि नहीं। तो देख सकते हैं हमारी एलईडी पूरी तरह से जल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ग्लो कर रही है फ्रेंड्स। तो आप भी अगर इसी प्रकार से एलईडी को बनाना चाहते हैं, अपने घर पर रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप भी अपने घरों पर ही बना सकते हैं, कहीं ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसा भी खर्चा नहीं करना होगा, बस खाली आप छोटा सा काम कर लीजिए, आपकी एलईडी बनकर पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे वीडियो लाएं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।